हेलो मेरे साथियों, आप लोगों को स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल रेनू एजुकेशन में। तो मेरे साथियों, आप लोगों को मैं क्या पढ़ाऊंगा जानते हो? आप लोगों को जो चैप्टर स्टार्ट किया हूँ ऑब्जेक्टिव का, ठीक है, वो चैप्टर वाइज आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा। देख रहे हैं बच्चे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जैव परक्रम। आप लोगों को बायोलॉजी में जैव परक्रम आप लोगों को पढ़ना है। क्या चीज में? तो जीव विज्ञान में। क्या चीज में बच्चे? तो जीव विज्ञान में आप लोगों को क्या पढ़ना है, बायोलॉजी। उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें क्या है, तो आप लोगों को जैव परक्रम है। तो आज हम लोग क्वेश्चन लेकर आए हैं ऑब्जेक्टिव का, जैव परक्रम का, ठीक है बच्चे। तो आइए, हम यहाँ पे आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे, आप लोग क्वेश्चन देखिए और क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए, ठीक है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है बच्चे, आप लोगों को 2024 में फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन आप लोग उसको पूछा गया है, ठीक है। थोड़ा कलर को चेंज कर लेता हूँ, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि परजीवी पौधा का उदाहरण है। परजीवी जो है बच्चे, परजीवी वो किस पौधा का उदाहरण है? तो किस पौधा का उदाहरण है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, आप लोगों को अमरवेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? अमरवेल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करेंगे। तो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, यहाँ देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 है कि मनुष्य में नासिका छिद्र, मनुष्य में नासिका छिद्र लैरिक्स और ट्रेकिया तथा फेफड़ा मिलाकर बनता है। जो मनुष्य के अंदर नासिका छिद्र लैरिक्स और ट्रोपिया ट्रोकिया और फेफड़ा मिलकर क्या बनाता है बच्चे, ये भी आप लोगों को फर्स्ट शिफ्ट में ही पूछा गया है, ठीक है। ये क्या मिलाकर बनाता है बच्चे? तो ये बनाता है श्वसन तंत्र मिलकर बनता है। क्या बनता है? तो श्वसन तंत्र मिलकर बनता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन बच्चे, आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर कि पौधे के वायवीय भागों से जल का अस्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को कि जो अस्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में जो निष्कासन होता है वो क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है बच्चे, तो वाष्पो उत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? वाष्पो उत्सर्जन कहलाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करेंगे बच्चे। क्वेश्चन नंबर यहाँ फोर्थ आप लोग देख रहे हैं, फोर्थ क्या कह रहा है क्वेश्चन की, एटीपी में फास्फेट, क्या एपीटी में फास्फेट की संख्या कितनी होती है? एपीटी में फास्फेट की संख्या कितनी होती है बच्चे? तो एपीटी में फास्फेट की संख्या कितनी होती है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में पूछा हुआ है। कितनी होती है एटीपी में फास्फेट की संख्या? 3 होती है। कितनी होती है? 3 होती है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि कोशिकीय ईंधन निम्न में से है, कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन सा होगा? कोशिकीय अंदर कौन सा होगा? ग्लूकोज होगा। कौन सा होगा बच्चे? तो ग्लूकोज होगा। आइए यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 की ओर मूव ऑन करते हैं कि निम्नलिखित में कौन रक्त कथा का जमने के लिए उत्तरदायी होता है? जब कट जाता है मनुष्य के शरीर में, कहीं भी जब ब्लड आता है तो रक्त का थाका जमा देता है, देखते हैं अक्सर आप लोग, तो वो किसके कारण होता है, क्वेश्चन से यही पूछ रहा है। तो रक्त का थाका जमाने में किसका महत्वपूर्ण भूमिका होता है बच्चे? तो रक्त विषाणु का क्या होता है, भूमिका होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक चाप, रक्तचाप, क्या बच्चे? तो सिस्टोलिक रक्तचाप होता है। स्वस्थ व्यक्ति में जो सिस्टोलिक रक्तचाप होता है वो कितना होता है आप लोगों को, कितना होता है बच्चे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 120 mmHg होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव ऑन करेंगे। देखिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों को स्क्रीन पर, कि ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक होता है। ऑक्सीजन के जब परिवहन करता है तो उसका जिम्मेदार रक्त कौन सा ऐसा उसमें मतलब सिस्टम होता है कि उस सिस्टम से रक्त का घटक उसका क्या होता है, परिवहन में उसको सहायता करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, आरबीसी। आरबीसी ही ऐसा एक सिस्टम है, ठीक
कि रक्त के परिवहन में वो क्या करता है, जिम्मेदार रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कृमि रूप और परिशोषिका किसका हिस्सा होता है। कृमि रूप और परिशोषिका जो होता है आहार नाल का क्या होता है, ये आप लोगों को हिस्सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे स्क्रीन पे कि प्रकाश की ओर प्ररोह की गति होती है। प्रकाश की ओर प्ररोह की गति होती है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, तो प्रकाशानुवर्तन हो जाएगा, प्रकाशानुवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है, जैव आवर्धन किस रसायन को प्रदर्शित करता है बच्चे, किस रसायन को प्रदर्शित करता है बच्चे, तो ये DDT को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे स्क्रीन पे, यहाँ देख रहे हैं कि रक्त का मुख्य कार्य क्या होता है, जो सॉरी बच्चे यहाँ लिखा है रंध्र, रंध्र का जो मुख्य कार्य क्या होता है, जो रंध्र होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है बच्चे, तो गैसों का विनियम और वाष्पो उत्सर्जन करना। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चे। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा देख लेता हूँ बच्चे, क्या इधर और क्वेश्चन है, थोड़ा देख लेते हैं बायोलॉजी का है। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चे, 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पौधे के उत्सर्जी पदार्थ है, पौधे का उत्सर्जी कौन सा पदार्थ होता है, पौधों में उत्सर्जी कौन सा पदार्थ होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, बी हो जाएगा। इनमें से सभी, गोंद भी होता है, टैनिन होता है, रेनिन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुटपात किसमें पाया जाता है, कुटपात किसमें पाया जाता है, तो ये अमीबा में पाया जाता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन दिखाई देगा, आप टंग से मार दीजिएगा उसका आंसर। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, तो दिन में ही सूर्य का प्रकाश दिखाई देता है। देखो ये कौन कौन सा एग्जाम, 2015 में, 22 में, 24 में ये पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है बच्चे, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है बच्चे, क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है, तो हरा होता है, आप लोग को याद रहना चाहिए। ठीक है, और रक्त में आयरन की कमी होने से कौन सा रोग होता है, जब रक्त में आयरन की कमी हो जाता है तो कौन सा रोग होगा बच्चे, इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि कौन सा रोग होगा, तो एनीमिया, एनीमिया नामक रोग, एक एनीमिया बीमारी है बच्चे, वही रक्त में क्या हो जाता है, रक्त की कमी होने से, रक्त में आयरन की कमी होने से वो रोग हो जाता है। नेक्स्ट, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है, कवक में देखो ये सब एग्जाम में पूछा गया है, 2014 में, 19 में, 24 में। ठीक है, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है बच्चे, तो आप लोगों को मृत जीवी होती है। ठीक है, ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन एक हार्मोन होता है। ठीक है, मनुष्य में वृक्क संबंधित है, मनुष्य में वृक्क संबंधित है, तो मनुष्य में उत्सर्जन से संबंधित है, क्या चीज से संबंधित है बच्चे, तो आप लोगों को उत्सर्जन से संबंधित है, क्या चीज से संबंधित है बच्चे, तो आप लोगों को उत्सर्जन से संबंधित है। समझ में आए, तो देखिए बच्चे क्या चीज से है, तो उत्सर्जन से है संबंधित, यहाँ क्या हो जाएगा, उत्सर्जन इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन से आप लोगों को श्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, देख रहे हैं 13, 19, 21 में पूछा गया है। जो श्वपोषी पोषण होता है वो किसका एक आवश्यक होता है, जो श्वपोषी पोषण के लिए क्या चीज का आवश्यकता पड़ती है, क्या चीज का आवश्यकता पड़ती है बच्चे, तो इनमें से सभी हो जाएगा, क्लोरोफिल की तो आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी, CO2 का पड़ेगा, क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण के भी उसमें क्या पड़ता है, आवश्यकता पड़ता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है बच्चे, तो ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल से, क्या चीज से, जल से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है। मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम किस में पाया जाता है,
मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है। ठीक है बच्चे। विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय, विश्राम जब आदमी करता है उस समय मनुष्य का हृदय मिनट में कितनी बार धड़कता है? मिनट में कितनी बार धड़कता है? ऐसे आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चे, तो मिनट में 72 बार। कितने बार? तो 72 बार धड़कता है। ठीक है, जब कोई मनुष्य विश्राम करता है तो। ठीक है बच्चे, यहाँ देख रहे हैं 25 कि पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थ, पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थ स्थानांतरण होता है। जाइलम में पौधों द्वारा क्या? तो जाइलम में पौधों द्वारा क्या पदार्थ स्थानांतरण होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? आप लोगों को राइट आंसर हो जाएगा बी, ऊपर की ओर। ठीक है, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग होता है, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी कौन सा अंग होता है? तो ब्रिक होता है। ठीक है, ब्रिक द्वारा ही कोई भी पदार्थ या कोई भी मटेरियल को क्या करता है? वो बाहर उत्सर्जित करता है। ठीक है, अब थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं बच्चे और क्वेश्चंस की ओर हम मूव ऑन करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप लोगों को प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, परावर्तन तथा अपरावर्तन, एक है आप लोगों को ये फिजिक्स का क्वेश्चन। क्या चीज का है बच्चे? आप लोगों को ये जो क्वेश्चन है वो फिजिक्स का है। क्या चीज का बच्चे? तो आप लोगों को फिजिक्स का, भौतिकी। फिजिक्स का मतलब क्या होता है? भौतिकी। ये भौतिकी का क्वेश्चन है, देख रहे हैं प्रकाश संश्लेषण और क्या है, थोड़ा कलर को इसको चेंज करो। प्रकाश संश्लेषण बच्चे है और क्या है? अपवर्तन है। क्या है? परावर्तन तथा अपवर्तन, ये टॉपिक का नाम है प्रकाश। ठीक है, यहाँ से देखो कैसे क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है। जैसे यहाँ देख रहे हैं बच्चे, दिया है कि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होता है? जब फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर रहेगा तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना हो जाता है? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा बच्चे, तो आप लोग क्या इसका जवाब दीजिएगा? तो इसका जब कोई फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसका वक्रता त्रिज्या कितना हो जाता है? तो दोगुना होता है। दोगुना होता है, क्या है? फोकस दूरी के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दोगुना होता है। तो 20 का हम दो गुना करेंगे बच्चे तो क्या हो जाएगा? तो 40 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका 40 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चंस की ओर मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है बच्चे? स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं कि कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित तो होती है, तो निम्नलिखित में से प्रथम परावर्तन के साथ घटित तो होगा, प्रथम परावर्तन के साथ घटित होगा, वो विचलन के द्वारा क्या होता है? घटित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान होता है, उत्तल दर्पण में क्या होता है? उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान कितना होता है बच्चे? महत्तम मान जो होता है 1/2 यानी कि हाफ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया जाता है, यानी कि पाया गया, तो वस्तु की स्थिति कहाँ पे होनी चाहिए? जब आभासी प्रतिबिंब रहेगा, सीधा रहेगा और वस्तु से बड़ा रहेगा, तो वह स्थिति कहाँ पे माना जाता है? वह स्थिति कहाँ पे होगा बच्चे? तो आप लोगों को दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में होता है, आप लोगों को याद रहना चाहिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या बच्चे? नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर कि फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन तथा धनात्मक, या यदि वस्तु की दूरी का मान क्या होगा? वस्तु की दूरी का मान क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर ही वस्तु की दूरी की मान भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कितना है बच्चे? तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 5, 6 नंबर, फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान कितना होता है? जब फोकस दूरी से ध्रुव की ओर कोई वस्तु आता है तो उसके अवतल दर्पण में आवर्धन का मान कितना हो जाता है? तो वो आवर्धन का मान बढ़ जाता है। आवर्धन का मान क्या होता है बच्चे? बढ़ जाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 7, एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बड़ा
ठीक है, बढ़ता जा रहा है तो चींटी की गति की दिशा क्या होगा? जो चींटी की गति की दिशा क्या होगा बच्चे, तो चींटी की गति की दिशा क्या होगा? फोकस से ध्रुव की ओर होगा, फोकस से ध्रुव की ओर होगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन से, क्वेश्चन से क्या बच्चे, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन से, क्वेश्चन से यहाँ आप लोग पढ़ लीजिए और उसका आंसर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन से यहाँ 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है? यदि किसी किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होता है? ऋणात्मक होता है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो जाएगा? उस बीम की प्रकृति क्या हो जाएगा? तो इसका प्रकृति क्या होता है बच्चे? तो बच्चे यहाँ पे देख लीजिए, उसका प्रकृति क्या होता है? उस बीम का प्रकृति क्या होता है? उस बीम का प्रकृति क्या होता है बच्चे? यहाँ पे देख लीजिए, इसका ऑप्शन यहाँ पे है। ठीक है, उस बीम का प्रतीक क्या हो जाएगा? प्राकृतिक। उस बीम का जो प्राकृतिक होगा क्या होगा? वास्तविक और उल्टा होगा। क्या होगा बच्चे? वास्तविक और उल्टा होगा। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। यदि अवतल दर्पण का निचला, अवतल दर्पण का निचला क्या होता है? निचला सभी भाग टूट जाए तो, अवतल दर्पण ये सभी है, यहाँ भी लिखा है, ये सभी लिख दीजिए, सभी भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब होगा, कैसा प्रतिबिंब बनेगा? यदि अवतल दर्पण का निचला भाग टूट जाता है तो वो कैसा प्रतिबिंब बनेगा बच्चे? तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? ये बनेगा कम तीव्र का बनेगा, कम तीव्र का बनेगा। ठीक है, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तविक वास्तव में होता है, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में कितना होता है बच्चे? तो एक से अधिक होता है। क्या होता है? एक से अधिक होता है। क्या होता है बच्चे? एक से अधिक होता है। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पानी का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। ठीक है बच्चे, एक एक प्रकाश से किरण का एक क्या बोल रहा है बच्चे? एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर क्या है? लंबवक्र, लंबवत क्या है? एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित तो होती है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? परावर्तन कोण का मान कितना हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? तो ये 0 डिग्री का होता है। क्या होता है? 0 डिग्री का होता है उसका परावर्तन कोण का मान। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अवतल लेंस द्वारा प्राप्त, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? इनमें से सभी हो जाएगा, सीधा भी होता है, छोटा भी होता है, आभासी भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु में आभासी लेंस, वायु में आभासी लेंस होता है, वायु में आभासी लेंस क्या होता है बच्चे? कांच का उत्तल लेंस। क्या होता है? कांच का उत्तल लेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ 15 देख रहे हैं कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो बच्चे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानव नेत्र में जो लेंस पाया जाता है वो उत्तल लेंस का बना होता है। क्या होता है? उत्तल लेंस का होता है। ठीक है, प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं? जब प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या बोला जाता है बच्चे? तो प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या बोला जाता है बच्चे? तो इसको बोला जाता है लेंस की क्षमता बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लेंस की क्षमता बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि जल की एक गोलीय बूंद, जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित प्रकाश किरण की कितनी बार परावर्तन होता है? प्रकाश किरण की कितनी बार परावर्तन होता है? तो एक बार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे, स्क्रीन पर देख रहे हैं कि लेंस के मुख्य फोकस की संख्या होती है, लेंस की जो मुख्य फोकस होता है, जो लेंस होता है उस लेंस के मुख्य फोकस जो होता है उसकी संख्या कितनी होती है? दो होती है। जितने क्वेश्चन है बच्चे आप लोगों को ऑलरेडी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन है ऑलरेडी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको आप लोगों को ध्यान से देखना है और इसको याद कर लेना है, ताकि अब एग्जाम आप लोगों के एग्जाम में जब आप लोग बैठते हैं तो ऐसे क्वेश्चन दिखाई देगा तो आप लोगों को सोचना ना पड़े, डायरेक्ट आप लोग उसको टिक लगा दे। ठीक है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 19 नंबर की समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब वो कैसा होता है बच्चे, कैसा वास्तविक काल्पनिक ए बी इनमें से कोई नहीं, कैसा होता है बच्चे, तो एक काल्पनिक होता है। जैसे समतल दर्पण द्वारा कोई भी प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण द्वारा कोई भी प्रतिबिंब उसका बनता है बच्चे वो कैसा होता है, तो आप लोगों को काल्पनिक होता है। तो बच्चे यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या चीज पर बात करेंगे बच्चे, नेक्स्ट हम बात करेंगे आप लोगों को क्या, अभी आप लोगों को यहाँ पे और क्वेश्चंस की बात करेंगे। यहाँ पे केमिस्ट्री का क्वेश्चंस थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है बच्चे। केमिस्ट्री का भी क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री के क्वेश्चंस में बच्चे क्या है, फर्स्ट जो चैप्टर है, चैप्टर वाइज ही आप लोगों को एमसीक्यू कराऊंगा, ठीक है बच्चे। चैप्टर बाय ही आप लोगों को एमसीक्यू क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है। ये पी वाई क्यू है, क्या है, पी वाई क्यू ये क्वेश्चंस है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है बच्चे, आप लोगों को चैप्टर वाइज ही कराएंगे, ठीक ना। ये देख रहे हैं बच्चे क्या है, क्वेश्चन नंबर क्या है, ये केमिस्ट्री का है, क्या चीज का है, तो ये जो मैं करा रहा हूँ बच्चे एक केमिस्ट्री का आप लोगों को ऑब्जेक्टिव है, क्या है बच्चे, एक केमिस्ट्री का आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। चैप्टर वाइज आप लोगों को कराएंगे, क्या कराएंगे बच्चे, तो आप लोगों को चैप्टर वाइज ही आप लोगों को ये कराया जाएगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर है क्वेश्चंस, पी वाई क्यू है, ठीक है। तो देखिए बच्चे ये रासायनिक अभिक्रिया एवं उनके समीकरण से रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि ऑलरेडी एग्जाम में आप लोगों को पूछा गया है। देख रहे हैं क्वेश्चंस की कैथोड किरणों में क्या उपस्थित होता है, जो कैथोड किरण होता है उसमें क्या उपस्थित होता है बच्चे, तो कैथोड किरण में क्या उपस्थित होता है बच्चे, तो आप लोगों को इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CaCO3 जब अभिक्रिया करता है CaO+ CO2 से तो किस प्रकार की ये अभिक्रिया होता है, ये किस प्रकार की अभिक्रिया होता है, ऐसे आप लोगों को समीकरण दिया रहेगा बच्चे और पूछेगा कि ये किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो इसका राइट आंसर क्या करिएगा बच्चे, तो वियोजन, कौन सा अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा, यहाँ पे देख रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है, निम्नलिखित में कौन सा समीकरण जो है वो संतुलित है, तो कौन सा समीकरण संतुलित है बच्चे, देख रहे हैं MgO2 ये नहीं है, ठीक है दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं बी नंबर देख रहे हैं कि Zn+H2SO4, Zn SO4, देखो SO4 यहाँ भी और Zn मिल रहा है और H2 है तो H2 यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है बच्चे। तो आप लोगों को क्या हो जाएगा, यही वाला अभिक्रिया क्या है आप लोगों को संतुलित है, ठीक ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर, निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है, इसमें कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है, यहाँ देख रहे हैं CO2+O2 ये संतुलित है, 2KClO3 और 2KClO3O2 संतुलित है बच्चे, H2Cl3 2HCl ये भी संतुलित है, और नेक्स्ट क्या है बच्चे आप लोगों को नेक्स्ट जो है यहाँ पर PDNO3 का होल ट्वाइस PDO Na2NO2 ये वाला संतुलित नहीं है, तो आप लोगों का क्या आंसर हो जाएगा, तो डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि उपचयन में निम्नलिखित में कौन सा होता है, उपचयन निम्नलिखित में कौन सा होता है, उपचयन निम्नलिखित में कौन सा होता है बच्चे, तो इनमें से सभी होते हैं, जैसे उपचयन इलेक्ट्रॉन का भी होता है, ठीक है, हाइड्रोजन का भी वियोग होता है, ठीक है, ऑक्सीजन का भी योग होता है उपचयन में, तो यहाँ तक आप लोग समझ लिए होंगे बच्चे। नेक्स्ट है क्वेश्चंस कि जल में विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस क्या होता है, मुक्त होता है, जो जल में विद्युत अपघटन के कैथोड पर कौन सी गैस क्या होता है, मुक्त होता है, तो कौन सा गैस मुक्त होता है, तो हाइड्रोजन होता है, कौन सा, हाइड्रोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी, जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी तो कौन सा गैस उत्सर्जित
तो कौन सा गैस होगी बच्चे? तो आप लोगों को हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होता है जब, उत्सर्जित होता है जब जल के साथ, जब 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 धातुए जल के साथ अभिक्रिया करती है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि Fe2O3+2A Al2O3+ क्या है? 2Fe। जब ऐसे समीकरण दी, ऊपर दी हुई अभिक्रिया किस प्रकार की है? जब ऐसे अभिक्रिया कराया जाता है आप लोगों को Fe2O3 से कराया जाता है अभिक्रिया, तो ये कौन सा अभिक्रिया कहलाता है बच्चे? ये कौन सा अभिक्रिया कहलाता है? ये विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक ना, नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। लौह चूड़े पर तनु क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है? सही सही ऊपर, सही उत्तर पर निशान लगाए। इसमें क्या करें? सही उत्तर पर निशान आप लोगों को लगाना है। सही एग्जैक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जब हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, जब क्या किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को डालने से क्या होता है? लोह चूने के साथ जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं तो कौन सा अभिक्रिया बनाता है? या तो हाइड्रोजन गैस या आयरन क्लोराइड बनाता है। क्या? आयरन क्लोराइड बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे? श्वसन किस प्रकार का अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार का अभिक्रिया होता है? श्वसन किस प्रकार का होता है? तो ऊष्मा क्षेपी होता है। क्या होता है? तो ऊष्मा क्षेपी होता है श्वसन अभिक्रिया। ठीक है, Cu+H2 अभिक्रिया करता है क्या चीज से बच्चे? Cu+H2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये किस प्रकार की अभिक्रिया है बच्चे? तो ये कौन सा अभिक्रिया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपचयन। ये कौन सा अभिक्रिया होता है? अपचयन अभिक्रिया होता है, आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चे? यहाँ पे 12, क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे देख रहे हैं बच्चे कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है उससे बने यौगिक को क्या कहते हैं हम लोग? क्या कहते हैं बच्चे? तो बने यौगिक को कहते हैं वैद्युत संयोजी कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत संयोजी। नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? नीचे अभिक्रिया आप लोगों को दिया है, इसमें कौन सा आप लोगों का कथन? Cu2CO2 अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? 2CuO। तो ये कौन सा अभिक्रिया होगा बच्चे? तो ये आप लोगों का कॉपर का क्या हो जाएगा? कॉपर का ऑक्सीकरण कर रहा है। क्या कर रहा है? कॉपर का क्या कर रहा है बच्चे? ऑक्सीकरण कर रहा है। क्या कर रहा है? कॉपर को ऑक्सीकरण कर रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? सफेद, सफेद होता है। ठीक है, सफेद होता है। ठीक ना, और समीकरण CaCO3 जब अभिक्रिया ऊष्मा से करेगा तो CO+CO2 किस प्रकार का समीकरण बनता है? जब अभिक्रिया करता है ऊष्मा के साथ तो किस प्रकार का अभिक्रिया बनता है CaCO3? तो बच्चे किस प्रकार का अभिक्रिया बनता है? तो आप लोगों को संवियोजन अभिक्रिया बनता है। क्या बनता है? तो आप लोगों को वियोजन अभिक्रिया बनता है। यहाँ तक आप लोग समझ लिए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का क्या होता है? कंपोस्ट बनाना किस प्रकार का अभिक्रिया का उदाहरण होता है? जब साग सब्जी को विखंडित करता है या कंपोस्ट बनाता है तो किस प्रकार के ऐसे अभिक्रिया कहलाता है? किस प्रकार का अभिक्रिया कहलाता है? तो उसमें क्षेत्रीय अभिक्रिया कहलाता है, आप लोगों को याद रहना चाहिए। ठीक है बच्चे, निम्न में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्राइड को गर्म करने पर प्राप्त किया जाता है? जब लेड नाइट्राइड को गर्म करते हैं तो कौन सा उत्पाद प्राप्त किया जाता है बच्चे? तो NO2, NO2 प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सही है? निम्न में से कौन सा सही है? तो निम्न में से कौन सा सही हो जाएगा बच्चे? यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं तो 18 का B, Na2CO3 क्या हो जाएगा? Na2CO3 10H2O। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लोहा से जिंक को
लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? जब लोहा से क्या किया जाता है, लेपित किया जाता है जिंक को, तो कौन सा अभिक्रिया बनता है? तो क्या बनता है बच्चे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर गैलेबीकरण। क्या होता है, एक गैलेबीकरण किया जाता है जिंक को लेपित करने के लिए, ठीक है, और अभिक्रिया कराने के लिए। जिंक से क्या, लोहा से जिंक को लेपित करने किया जाता है, तो क्या चीज बनता है? गैलेबीकरण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया का रूप फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा गैस बनाता है? जब जस्ता के साथ, जब जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अभिक्रिया कराया जाता है, तो कौन सा गैस बनाता है बच्चे? तो ये गैस H2 गैस बनाता है। क्या? H2 गैस। कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाले यौगिक निर्मित करती है, तो यह यौगिक जल में विलय है। यह तत्व हो सकता है, जब कोई अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है उच्च गलनांक वाले यौगिक निर्मित करती है, तो यौगिक जल में विलय होते हैं, तो वो कौन सा यौगिक होते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? सी ए हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट क्या हो जाएगा? सी ए हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन की परमाणु संख्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात क्या होता है? तो इसका अनुपात जो होता है 2:1 क्या होता है? 1 होता है। हाइड्रोजन का 2 होता है, ऑक्सीजन का यहाँ ओ हो गया, क्या हो जाएगा इसका? 1:2 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? नीचे अभिक्रिया जो दिया गया है, इसके संबंध में कौन सा अभिक्रिया हो सकता है? यहाँ पे बच्चे आप लोग देख रहे हैं कि ZnO+C, ZnCO, ये कौन सा अभिक्रिया है बच्चे? तो ये कार्बन उपचयित हो रहा है। ये अभिक्रिया में क्या हो रहा है? कार्बन को उपचयित कर रहा है। क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है, ठीक है। तो बच्चे यहीं पर ये सेशन को मैं एंड करूंगा, तो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो आप लोग क्या करें, चैनल को बच्चे आप लोग सब्सक्राइब करें, ठीक है। चैनल को आप लोग क्या करें बच्चे, सब्सक्राइब करें। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।